हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप अपने लिए बाइक लोन लेने जा रहे हैं या टू व्हीलर लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो, और आप HDFC बैंक से लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी, और यहाँ से अगर आप 2 लाख तक का बाइक लोन लेते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, एलिजिबिलिटी आपके साथ क्या क्या बनेगी और फीचर्स क्या क्या रहेंगे, और यहाँ से 2 लाख का लोन लेने के बाद आपकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी, आपको टोटल इंटरेस्ट अगले 2 सालों में कितना पे आउट करना पड़ेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों इस हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बात करें यहाँ पे HDFC बैंक से अगर बाइक लोन लेने जा रहे हैं आप तो, और उसके बिहाफ पे अगर आपको यहाँ पे जो फीचर्स आपके साथ लगेंगे वो क्या क्या लगेंगे तो उसकी जानकारी हम लोग देख सकते हैं। फीचर्स की अगर बात करें यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे फुलफिल एवरी योर एवरी नीड, यहाँ पे आपकी सारी जरूरतों की पूर्ति की जाती है। HDFC बैंक में आपका खाता है तो आप यहाँ से 100% के दर पे आप यहाँ पे अपना फाइनेंस करा सकते हैं। मान लीजिए आपकी बाइक 2 लाख की है तो आप यहाँ से पर से 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें रीपेमेंट टेनर चार्जेस की तो 12 से 48 महीनों का रीपेमेंट चार्जेस आपको दिया गया, आप देख सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव रेट की बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो जो इंजॉय सेविंग अप टू है वो 4,813 रुपये तक की आपकी सेविंग बचती है। और यहाँ पे जो सेविंग कैलकुलेट है लोन अमाउंट पर वो 1 लाख पर अगले 3 सालों तक के लिए कैलकुलेट है। अगर बात करें इस बैंक से एलिजिबिलिटी की कि इस बैंक की तो अगर लोन बाइक लोन लेने जा रहे हैं तो आपके साथ एलिजिबिलिटी क्या क्या बनेगी तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आपकी जो इंडिविजुअल होनी चाहिए यानी आपके पास जो होने चाहिए, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपके पास सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉय होनी चाहिए। आप मान लीजिए आपकी सैलरी एक नेट सैलरी है और महीने की इतनी सैलरी आपको मिलती है तो वो होनी चाहिए, मतलब आपको उसके पास प्रूफ होनी चाहिए। और आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 साल से 65 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी आपका एक एज रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, 21 साल से 65 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और आपकी मंथली जो इनकम होनी चाहिए मिनिमम वो 10,000 तो होनी ही चाहिए। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, अगर आप इस बैंक से लोन लेते हैं तो अगर उसके फीस है चार्जेस क्या पड़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रैक इंटरेस्ट रेट आपको लगेगा 14.5% के हिसाब से आपको यहाँ पे ये बैंक लोन प्रोवाइड करेगी। और लोन प्रोसेसिंग चार्जेस की बात करें तो वो आपको 2.5% तक का लोन प्रोसेसिंग चार्जेस है। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी एज पर एप्लीकेबल लॉज ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट के एप्लीकेबल लॉज पर ही आपको यहाँ पे सिक्योरिटी चार्जेस पड़ेंगे। और डॉक्यूमेंट चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पे 2% तक आपका लोन अमाउंट का डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस पड़ सकता है। और PDD कलेक्शन चार्जेस आपके 500 तक के PDD कलेक्शन चार्जेस है। और RTO चार्जेस की बात करें यहाँ पे तो एट एक्चुअल यानी जो आपका RTO चार्ज होगा RCT का अलग अलग होता है। अगर बात करें यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे तो उसकी हम लोग थोड़ी सी जानकारी समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्शन ये वोटर आईडी कार्ड आपको देना होगा, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आपको यहाँ पे प्रूफ दिखाना होगा, पासपोर्ट दिखाना होगा जो कि एक्सपायर ना हुआ हो आपका, और प्रूफ ऑफ प्रोसेसन यानी आधार दिखा सकते हैं आप, और प्रिंट आउट ऑफ ई आधार का दिखा सकते हैं जो कि 30 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 30 दिन से आपका जो ई आधार होना चाहिए वो पुराना नहीं होना चाहिए। जॉब कार्ड इश्यूड बाय NREGA से साइन अप होना चाहिए, और लेटर इश्यूड बाय द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी आप इंडिया के जो यहाँ के भी रेसिडेंट हो आपके वहाँ का प्रूफ आपको दिखाना होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपनी EMI कैलकुलेटर लिंक पर, जहाँ पे हम लोग अपने लोन की मंथली EMI कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों इस लिंक पे आप अपने होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की EMI बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको भी अपने किसी भी लोन की EMI कैलकुलेट करनी है, जैसे बाइक लोन की EMI कैलकुलेट करनी है, तो मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट करके अपनी बाइक लोन की मंथली EMI कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को जो लोन लेना था वो 2 लाख रुपये तक का लेना था, 2 लाख का लोन यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। 2 लाख का लोन हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं इस बैंक ऑफ HDFC बैंक से। उसकी एलिजिबिलिटी उसकी आपको मैं बता दूँगा, आपको इंटरेस्ट रेट क्या लग रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं 14.5% के हिसाब से आपको ये बैंक लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे जो हम लोग लोन अमाउंट लोन इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे वो 14.5% के हिसाब से ही सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 2 लाख का लोन 14.5% की ब्याज की दर पे HDFC बैंक से लेने वाले हैं अगले 4 सालों के लिए। अगले यानी यहाँ से सीधा सीधा निकलता है 2 लाख का लोन 14.5% की ब्याज की दर पे अगले 4 सालों के लिए HDFC बैंक से लेते हैं।
तो उस हिसाब से बनती है लोन ई एम आई हमारी 5,516 रुपये और टोटल इंटरेस्ट पे आउट करने को आता है 64,648 रुपये। यानी अगर आप 2 लाख का लोन लेते हैं तो आपकी मंथली ई एम आई 5,516 रुपये बनती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट बनेगा टोटल 64,748 रुपये। और आपकी टोटल पेमेंट बनेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और मिला के 264,448 रुपये, जिसमें आपको 24.5% टोटल इंटरेस्ट बनेगा और 75.5% आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। दोस्तों इस लिंक पे जैसे आप नीचे आएंगे तो आप ये ग्राफ चेकआउट कर सकते हैं, आपको किस साल में कितनी पेमेंट इंटरेस्ट पे करना, कितनी टोटल पेमेंट बचेगी, आपकी बैलेंस क्या रहेगा, आपको सारी डिटेल्स आप ग्राफ के द्वारा चेक कर सकते हैं। और भी आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इस ग्राफ शेड्यूल को देख सकते हैं, इंडेक्स को देख सकते हैं दोस्तों, कि जुलाई जून मंथ में अगर आपकी जो ईएमआई है वो चालू होती है तो वो आपकी 27 में खत्म होगी मई में। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल ऑनली को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।